दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट और मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे, अभी आप लोग थंबनेल देख के तो समझ चुके होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे असुर एक इंडियन वेब सीरीज से जो कि रिलीज हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर। तो वूट पर जब रिलीज हुई तो मैं सोच रहा था यार ये क्या है, मतलब ये सीरीज में कुछ खास बात तो नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेजोन हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ये दो ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत जबरदस्त सीरीज रिलीज होती है, उसके अलावा ये छोटे मोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या तो ठरकी या तो फिर बेकार सी इलॉजिकल चीजें रिलीज होगी। लेकिन भाई मैं गलत था, एमएक्स प्लेयर में जो पिछले दिन मैंने देखा वो थी भौकाल, जो कि बहुत ही काबिल-ए-तारीफ सीरीज है और लो बजट में और इतनी अच्छा वेल एग्जीक्यूटेड और हर एक चीज चाहे परफॉर्मेंस हो या लोकेशन हो या कहानी हो सब कुछ बेहतरीन था भोकाल में। और वही चीज यहाँ पर भी होती है असुर के साथ। ये भी रिलीज हुई एक ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ज्यादातर लोग देखते नहीं, ज्यादातर लोग इसमें सीरियल्स या कुछ और ही देखते हैं, मगर इस तरीके की सीरीज ऐसी साइकोलॉजिकल सीरीज यहाँ पर रिलीज होना एक अपने आप में बड़ी बात है। और उसमें अर्शद वारसी को काफी लोगों ने कॉमेडियन रोल में देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं अर्शद वारसी ने जो इस सीरीज में काम करके दिखाया है मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर है, लेकिन उनको अभी तक के उनके मतलब की फिल्म नहीं मिली। लेकिन अब उनको ये जो सीरीज मिली, ये सीरीज में जिस तरह से उन्होंने इंटेंस काम करके दिखाया ना, फर्स्ट एपिसोड से जो एंट्री मारते उसके बाद तो मतलब जब भी उनके सीन्स आते हैं आप उन्हीं को देखते हो और कहीं से भी आपकी को ये फील नहीं होता कि भाई ये बंदा तो बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी एक्टिंग करता था। लेकिन सच बता रहा हूँ इस सीरीज में वो मतलब एकदम फाड़ के रख दी। उसके अलावा वरुण सोबती के मैंने टीवी सीरियल्स नहीं देखा हो, लेकिन वो एक पॉपुलर फेस है टेलीविजन पर, लेकिन उन्होंने भी इस सीरीज में बहुत ही शानदार काम किया है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें जो कहानी है और जो बीजीएम है वो इस सीरीज का सबसे बड़ा बाप है, और जो उसका डायरेक्शन करने का जो स्टाइल लगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 8 एपिसोड है और हर एपिसोड के लिए लगभग 46 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में ये, लेकिन स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तो समझ लो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे और ऐसे ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो आप किसी इंडियन सीरीज से आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसी सीरीज जो मतलब वूट जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो तो मतलब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सीरीज डिजर्व करती है नेटफ्लिक्स या तो फिर अमेजोन जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म, ताकि एक लार्जर ऑडियंस तक ये सीरीज पहुंच सकती थी यार। लेकिन बहुत ही बोलते हैं ना निराशा वाली बात है जो इस तरीके की प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इस वीडियो के थ्रू एक लार्जर ऑडियंस इस सीरीज को देखे। और जिन लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो भाई उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी है। ये सीरीज को अगर देखा जाए तो कुल मिला के सीआईडी क्राइम पेट्रोल और सेक्रेट गेम्स इन तीनों का मिक्सचर ऐसी लगती है। लेकिन फिर भी जो कहानी है कहानी बहुत शानदार है। कहानी शुरू होती है वरुण सोबती से जो कि एक सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट रह चुके हैं, लेकिन अब शादी होने के बाद वो इस जॉब को छोड़कर अमेरिका चले गए, अमेरिका के एफबीआई में एज ए फॉरेंसिक टीचर जॉब कर रहे। लेकिन उनका पहला प्यार सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही होता है, और बोलते ना एक किस्मत कनेक्शन, तो इंडिया में कुछ ब्रूटली मर्डर हो रहा है और उस मर्डर की जानकारी इनको मिल रही है, तो ये क्या कर रहे हैं वो जानकारी सीबीआई तक पहुंचा रहे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब सीबीआई की तरफ से इनको कॉल आता है कि तुम वापस क्यों नहीं आते, लेकिन अब ये इंडिया जाएंगे वो जॉब को एक्सेप्ट करेंगे ये सबको तो आप देखोगे। लेकिन जो मेन कहानी ये है कि भाई ये ब्रूटली मर्डर कौन कर रहा है, और मैं आपको यहाँ पर कुछ भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मैं इतना बता दूं कि अर्शद वारसी जो इस सीरीज में जो रोल प्ले कर रहे एज सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसके अलावा इस सीरीज में आपको जो कुछ देखने मिलेगा वो तो मतलब आप देखोगे तो आपके पैरों तले जमीन हटने वाली है, और आप लोग यही सोचोगे कि भाई ये सीरीज हमने अब तक क्यों नहीं देखी थी। ये वजह यही है कि ये वूट पे रिलीज हुई। खैर अब मैं अगर आपको इस सीरीज के बारे में और भी बताऊंगा तो मेरे मुझसे स्पॉइलर निकल जाएगा, जो कि मैं नहीं निकालना चाहता। बस मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप लोग साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज आपके लिए, समझ लो मेरी जितनी साउथ की ऑडियंस है जो ये वीडियो देख रही है स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज अगर आप लोगों के कहने पर मैं साउथ की फिल्में देख सकता हूँ मुझे इतनी पसंद आ रही, तो मेरे कहने पर आप लोग को भी ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये हिंदी में है बट आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोस्टली हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे हमारे इंडिया में चलती है। आप डेफिनेटली सीरीज को देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है, ये आपको वूट पे देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात करो तो सभी किरदार यहाँ पर बहुत ही शानदार लगते हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बीजीएम तो ऐसा है कि मतलब समझो जिस तरीके की साइकोलॉजी थ्रिलर मूवीज में या सीरीज में होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके के बीजीएम है। और पहले एपिसोड से लेके जो भाई गूज़बम्प्स होना शुरू होते हैं वो भाई समझ लो एंड तक रहते हैं। और इस तरीके की कहानी है कि मतलब मैं यहाँ से कुछ भी रिवील करूंगा तो वो मजा खराब हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने सीरीज नहीं देखे
तो तुरंत देखो और मुझे कमेंट करके बताओ। और आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो और बस इसी तरीके से बनाए रखो, मैं तो यही चाहता हूँ। और बस इतना कहूंगा कि हमारा चैनल है ना अरहान एंटरटेनमेंट, आपका मेरा हम सबका चैनल है और ये चैनल पे हम लोग मोस्टली उन्हीं चीजों को प्रमोट करेंगे जो वाकई में डिजर्व करती है, और असुर सीरीज उन्हीं सीरीज में से एक है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करे लाइक, चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं हूँ राशि शेख और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट में, दुआ में याद रखना।